रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा लागू होने के बाद होम बायर्स बिल्डर से लेकर ब्रोकर्स तक के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ब्रोकर्स इस दुविधा में हैं कि रेरा एक्ट उनके लिए एक अभिशाप है और उनके लिए कई समस्याएं खड़ी कर सकता है। अपनी समस्याओं के निदान के लिए ब्रोकर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 122 स्थित अथॉरिटी पार्क में एक मीटिंग बुलाई। यहां सभी ब्रोकर्स ने अपने अपने विचार और सुझाव साझा किए कि किस तरह रेरा उनको प्रभावित कर रहा है। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, सरकार ने तो रेरा के अंदर में जो काम करने वाले ब्रोकर हैं, ठीक है, या चैनल पार्टनर, उनके ऊपर पेनल्टी लगा दिया। बट जरा सरकार ये भी तो पूछे कि GST का उसने क्लासेस करवाए व्यापारियों के लिए, ठीक है, हम लोगों को क्या पता रेरा क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पढ़ने आता इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, आप ये कहीं एक क्लासेस करवाओ कि आज ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में 200 डीलर चले आओ जी, ये रेरा का मतलब है, ठीक है। पता नहीं रेरा क्या है और बिल्डर उसमें ब्रोकर को फंसा दे या क्लाइंट फंसा दे, अगला तो बेचारा फंस गया जो काम कर रहा है, यानी तो उसके लिए दूसरे रोजगार की आप तलाश करो, जो ब्रोकर है वो इस काम को खत्म करके कोई दूसरा रोजगार करेगा। तो ये भी एक मुद्दा है कि आप रेरा के लिए बारे में पहले अवेयर करो। आज की तारीख में ब्रोकर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, सबसे बड़ी समस्या है कि न तो क्लाइंटों को जहाँ पोजेशन नहीं मिल रहा, वहीं हमारे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। हम तो अपने क्लाइंट के साथ में है ही, ठीक है, बिल्डर के भी साथ में, क्योंकि हम एक बीच का पुल है, क्लाइंट और बिल्डर के बीच का, हम ही क्लाइंट को ले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो बिल्डर होते हैं वो क्लाइंटों को डायरेक्ट कर लेते हैं और जो हमारी सेवाएं होती हैं उन्हें भी बाहर कर देते हैं गेट से कि चलो जी गेट आउट, आपका काम खत्म यहाँ से, अब आपका कोई काम नहीं है। तो इसमें मारे कौन जानते हैं, हम जैसे जो ब्रोकर हैं या काम करने वाले लोग हैं एटलीस्ट वही मारे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्डर के ऊपर के लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है, जो ऑनर वगैरह हैं, जो स्टाफ हैं, वो भी आते जाते रहते हैं, तो इसमें एटलीस्ट ब्रोकर ही मारा जाता है। तो एक सेट करना चाहिए पैमाना कि भाई कोई भी ब्रोकर क्लाइंट लेकर आता है तो उसकी एक तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि हमारे कहाँ ये लेकर आए हैं तो इनके नाम से ये क्लाइंट है, ठीक है। और अगर वो एक ही आदमी 10-10 लोगों के साथ में आ रहा है उसे भी रोका जाना चाहिए, ठीक है, एक या दो या तीन लोग लिमिट होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं केवल घुमा रहा है वो मार्केट के अंदर में और हम लोग भी घूमते चले जा रहे हैं। वी वेलकम द रेरा मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज वेरी गुड, यू हैव फिक्स्ड द लायबिलिटी, बट आर यू गिविंग एनी एडवांटेज टू द ब्रोकर? Are you giving the commission within the time frame? Are you fixing the commission? हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा commission fix कर दीजिए, आप हमारा commission का time frame fix कर दीजिए, एक तो advantage दीजिए हमें, जो brokers की plain and simple demand है। What are you giving against the RERA? What is the advantage of RERA? मीटिंग में ब्रोकर्स को अपनी पेमेंट समय पर न मिलने से लेकर रियल एस्टेट बाजार से उन्हें खदेड़ने की साजिश तक का मुद्दा उठाया गया। रियल्टी मीडिया की टीम ने ब्रोकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत चौधरी से बात कर ब्रोकर्स के सामने आने वाली अड़चनों को जानने की कोशिश की। आज बताना चाहूँगा कि हमने एक एसोसिएशन का गठन किया है एक बहुत बड़े लेवल पे, तो ऑलमोस्ट हमारे जो टोटल मेंबर्स है अब तक 3 महीने के अंदर जो हमने अचीवमेंट किया है वो उसमें है आई थिंक 800 से 1000 मेंबर्स, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने में ये 15,000 भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी टीम को, अपने सब मेंबर्स को। और शिकायत आपकी क्या है? उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी शिकायत है बिल्डर से और सरकार से, और रेरा में जो हमारे ऊपर जो चीज़ें आई है अभी कि हम रेरा के अंदर 2.5 लाख रुपये या 25,000 रुपये जमा करें, इंडिविजुअल के लिए 25,000 रुपये है और लिमिटेड फर्म के लिए 2.5 लाख रुपये हैं, तो इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसके विरोध में क्या है कि यदि हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ब्रोकर एसोसिएशन के फेवर में उसमें कुछ भी चीज़ नहीं है, न तो ब्रोकर उसमें कहीं स्टैंड करता कि ब्रोकर के फेवर में ये क्या आ गया हो कि ब्रोकर यदि बुकिंग करता है या रजिस्ट्री करता है तो उसके लिए कोई एक NOC निर्धारित हो जैसे बाकी के लिए होता है। तो एक तो मेरे हमारे रेरा के लिए फाइट है, दूसरी बात जो हमारा पैसा फंसता है, सपोज दैट किसी बिल्डर के यहाँ पे या किसी के यहाँ पैसा फंसता है, उसमें हमारे पास कोई भी ऐसे राइट्स नहीं है जिसमें हम कहीं भी जाके कानूनी कार्रवाई कर सकें। तो हमें राइट्स चाहिए, हमारे एसोसिएशन को हम स्टैंड करना चाहते हैं, हम ब्रोकर चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, हम सबको एक लेवल पर लाना चाहते हैं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप एसोसिएशन ज्वाइन करो, अपने आप को एक अपनी एक स्ट्रेंथ बनाओ और रेरा के खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि जो हम फीस दे रहे हैं, यदि हम कहीं कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें बदले में कुछ चाहिए, रेरा ने हमें कुछ भी नहीं दिया। रेरा में ये लिखा है कि हमारे ऊपर उल्टा क्लेम है कि यदि बिल्डर कुछ गलत काम करता है तो उसमें ब्रोकर भी सेम ब्रोकर का भी सेम क्लेम आएगा जो बिल्डर के ऊपर है, जबकि हमने कुछ कमाया नहीं, ठीक है। उसके बाद बिल्डर तो 5 करोड़ रुपये कमा के बैठ जाता है लेकिन ब्रोकर ने तो कुछ कमाया नहीं, तो ब्रोकर क्यों उस चीज़ को अपने सर पे ले, क्यों वो जेल जाए? सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से उम्मीद है कि अभी हम मैं ये करता हूँ कि अभी हम रेरा की कोई भी फीस जमा नहीं करेंगे, हम कोई भी अभी हम सबको अवॉइड करेंगे अभी जमा ना करें, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमें जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे, हमें योगी जी से मिला हम योगी जी से मिलेंगे, हमें जिस लेवल पर जाना होगा हम उस लेवल पर जाएंगे, लेकिन हम गलत का साथ नहीं देंगे, हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, हमारे साथ एक गलत हुआ है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।
We'll be right back.